सबसे पहले देखा कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो आप क्या करोगे, या तो पाइथागोरस होगा लगेगा या फिर ट्रिग रेशियो लगेगी। ठीक है, पाइथागोरस कब लगता है, जब ये वाले दोनों एंगल्स में से कोई एंगल इन्वॉल्व ना हो। कौन से दोनों एंगल्स की बात हो रही है, एक तो ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, ये देखो जहां पे मेरा रेड पॉइंटर है। ठीक है, सो ये दो एंगल्स में से जब तक कोई एंगल इन्वॉल्व ना हो। अब एंगल इन्वॉल्व कैसे होता है, एंगल इन्वॉल्व होता है अगर वो कोई एंगल की वैल्यू गिवन हो या एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एंगल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर एंगल या तो गिवन ना हो ना ही फाइंड करनी हो तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। अदरवाइज हम क्या लगाते हैं, हम ट्रिग रेशियो लगाते हैं। ट्रिग रेशियो क्या होता है कि सम पीपल वो साइन कॉस टैन लगता है, उसमें हमने देखा कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होती है और एंगल के साथ बेस होती है। ठीक है, और खुद से ट्राइंगल की कोई परपेंडिकुलर और बेस नहीं होती है। अच्छा, अब देखो ये एंगल अगर 90 है आपके पास यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास, नहीं 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 90 को कभी थीटा नहीं ले सकते मेरे बच्चा, 90 को नहीं, 90 के अलावा जो दो एंगल्स होते हैं उन दो एंगल्स को देखना होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज 30, दिस इज 4 एंड दिस इज x। ऑलराइट, मुझे जरा देख के बताइए, कैन आई अप्लाई पाइथागोरस, यस और नो, कैन वी अप्लाई पाइथागोरस, नो 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 नो, बिल्कुल नो। क्यों नहीं कर सकते पाइथागोरस अप्लाई, बिकॉज ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल इज इन्वॉल्व नाउ। ठीक है, अगर साइड वाला कोई भी एंगल इन्वॉल्व हो जाए तो आप पाइथागोरस नहीं अप्लाई कर सकते हो। अब आप करोगे साइन कॉस टैन, चलो जरा इसमें से मुझे देख के बताओ क्या अप्लाई हो रहा है, साइन कॉस टैन। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज लिखो, एंगल के सामने बेटे परपेंडिकुलर लिखो, एंगल के साथ बेस लिखो। एक साइड ऐसी होगी जो ना तो गिवन होगी ना फाइंड करनी होगी, एक साइड ऐसी होगी जो ना गिवन होगी ना फाइंड करनी होगी, वो कौन सी साइड है हाइपोटेन्यूज, उसको काट दो। वो साइड जो ना तो गिवन हो ना फाइंड करनी हो वो वाली साइड काट देते हैं। अब बच गया पी और पी, पी और बी बेटे किसके फॉर्मूला में यूज होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो अब आप कहोगे टैन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटे, 4 ओवर बेस कितना है, एक्स। ये एक्स जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो बेटे याद करो हमने बॉडनास में पढ़ा था कि ये एक्स हमेशा पीछे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स कभी इस 30 को नहीं मिल सकता, ये याद रखना आपने, सो दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, सो आपने ये एक्स टेन 30 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब बेटे आपने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो टेन 30 उधर जाके पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो जरा कैलकुलेटर पे लिखिए 4 ओवर 10 30 6.928, बेस्ट हो गया। ऑल राइट, सो हमें ये पता चल गया कि अब हम प्रैक्टिस क्या करें, हमने कैसे चूज करना है, कब साइन है कब कॉस है कब टैन है। नंबर 4 नेक्स्ट देखते हैं जी, इफ आई हैव अ ट्राइंगल, ओके, एंड इसमें ये गिवन हो आपके पास 60 और ये 12, सॉरी ये 12 और ये x गिवन हो जी, कैन वी अप्लाई पाइथागोरस, कैन वी अप्लाई पाइथागोरस, नो, बिकॉज दिस एंगल इज इन्वॉल्व। तो ये मैं क्वेश्चंस आपसे बेटे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्यों नहीं यूज कर सक रहे। ठीक है, अंदाजे से कुछ नहीं यूज करना, यू मस्ट ऑलवेज हैव अ सॉलिड रीजन फॉर व्हाट एवर यू डू। अच्छा, अब देखो बेटे, अब आप क्या करोगे, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज लिखोगे, एंगल के सामने बेटे परपेंडिकुलर लिखोगे, एंगल के साथ बेस लिखोगे। कौन सी साइड है जो ना तो गिवन है ना फाइंड करनी है, कौन सी साइड है जो ना गिवन है ना फाइंड करनी है, पी, पी को काट दो, पी ना तो गिवन थी
और ना ही हमने फाइंड करनी थी। बेटी पी को काट दिया मैंने, अब मेरे पास क्या बच गया? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बच गया खाली। क्या लगाऊं मैं? कॉस लगाऊंगा। शाबाश। सो हम लिखेंगे कॉस थीटा परपेंडिकुलर ओवर, सॉरी बेस ओवर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऑल राइट। तो अब आप लिखोगे कॉस 60 इज इक्वल टू, बेस कितनी है बेटे? 12, नहीं, एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज इज 12। अब ये 12 बेटे इधर जाएगा तो कहां जाएगा? कॉस 60 के पीछे जाएगा हमेशा। सो 12 कॉस 60 इज इक्वल टू एक्स, तो बेटे एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6। ओके, अनदर एग्जांपल नंबर 5 जी। लेट्स सपोज वी हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस। Okay, and if you have this angle x and this is 5 and this is 13 and this is 90. Ji, zara mujhe dekh ke batayega, can we apply Pythagoras? Yes or no? Can we apply Pythagoras? Yes or no? Angle involved ho jate hai, chahe angle given ho, chahe find karna ho. Ye angle involved hai, Pythagoras nahi lagega. एंगल इन्वॉल्व होता है चाहे एंगल बेटे गिवन हो, अब गिवन तो नहीं है लेकिन एंगल फाइंड करना है आपने, तो आपने अगर एंगल फाइंड करना हो तब भी एंगल इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आप देखें जी, एंगल के सामने 90 मार्क करें, सॉरी 90 के सामने हाइपोटेन्यूज मार्क करें, एंगल के सामने परपेंडिकुलर मार्क करें, एंगल के साथ बेटे बेस मार्क करें। ठीक है, और बेस काटेंगे, बेस ना गिवन है ना फाइंड करनी है, और उसके बाद बेटे अब क्या अप्लाई करेंगे? साइन, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 5/13। अब बेटे सुनो, आपने जब एक्स निकालना हो तो आप ये वाले साइन को दूसरी तरफ भेज देते हो, जब साइन दूसरी तरफ जाता है तो उधर जाके क्या हो जाता है बेटे? साइन इनवर्स हो जाता है। साइन इनवर्स कहते हैं, कैसे करते हैं बेटे? कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट और साइन का बटन प्रेस करते हैं। अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर बेटे शिफ्ट और साइन का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास साइन इनवर्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे, फिर लिखोगे 5/13 लिखोगे तो आपके पास कैलकुलेटर से मुझे बताना बेटे क्या एंगल आ रहा है? 22.6198। ज्यादा सारे डेसिमल्स लिखने हैं, उसकी भी मैं अभी हम बाद में एक डिस्कशन करेंगे। खबरदार कोई बच्चा 1 या 2 डेसिमल प्लेसेस लिख के आया। ठीक है, ज्यादा सारे डेसिमल्स चाहिए मुझे, ज्यादा सारे डेसिमल प्लेसेस चाहिए। सो मेक श्योर आप लोग ज्यादा सारे डेसिमल प्लेसेस करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब मेक श्योर आपने एक बात याद कर लो कि ये वाली हरकत हम कब करते हैं, ये जो अभी मैंने की है। सो वी ऑलवेज टेक इनवर्स, मैं याद करवाता हूं, इनवर्स वाला स्टेप मैं याद करवाता हूं। वी ऑलवेज टेक इनवर्स इफ वी हैव टू फाइंड एंगल। ओके, याद कर लो, जब भी एंगल फाइंड करना है तो हम इनवर्स लेते हैं हमेशा, आखिरी स्टेप हमेशा इनवर्स हुआ करेगा। सो इधर लिखते हैं हम 4 और इधर लिखते हैं 3 और ये एंगल एक्स फाइंड करना है। ओके बेटे देख, 90 के सामने क्या लगेगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने क्या लगेगा? परपेंडिकुलर। एंगल के साथ क्या होएगा बेटे? बेस। कौन सी साइड है जो ना गिवन है ना फाइंड करनी है? हाइपोटेन्यूज ना गिवन है ना फाइंड करनी है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस होगी तो क्या लगेगा? टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस।
ठीक हो गया। और अब देखो टेन एक्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज थ्री बेस इज फोर, एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स थ्री ओवर फोर, एट सिक्स नाइन एट, परफेक्ट। ऑल राइट, अब हम यहां तक रेडी हो गए। अब हमें पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर सिर्फ दो काम होते होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल पे या तो पाइथागोरस लग सकता है या सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग सकती है, और कुछ नहीं लग सकता। एंगल नहीं गिवन होंगे तो ना, एंगल नहीं इन्वॉल्व होंगे तो पाइथागोरस लगाया करेंगे, और एंगल इन्वॉल्व होंगे तो हम साइन कॉस टैन लगाया करेंगे। उसमें से कौन सा चूज करेंगे वो हम लिख के वहां से डिसाइड कर लिया करेंगे। एक इररिलेवेंट साइड काट लिया करेंगे, कौन सी साइड होगी, इस साइड को बोला करेंगे ये इररिलेवेंट साइड हुआ करेगी। वो साइड जिसमें जो ना तो गिवन होगी ना फाइंड करनी होगी,